भारत सनातन संस्कृति का पोषक रहा है और सनातन संस्कृति का आधार मंदिर रहे हैं। मंदिरों से हमारी संस्कृति संचालित होती रही है, हमारा रहन सहन, हमारा पठन पाठन, हमारे खान पान सब कुछ मंदिरों से संचालित होते रहे। राजनीति तो नहीं संचालित होनी चाहिए ना मंदिर से? राजनीति करने वाले अपनी राजनीति जहां हो वहां से संचालित करें, या हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी से संचालित नहीं होती। जैसा कि ये बालक कह रहा है कि एक वोट से चुनाव हारे, अरे अपनी किस्मत पर रोइए, भगवान से मनाइए, एक वोट से चुनाव जीत जाइए। मैं ये नहीं कहता, मनाइए आप अपनी स्थिति को, जो जीता। महंगाई बेरोजगारी वाला जवाब? महंगाई बेरोजगारी इस देश में कहीं कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो आप हाथ उठवा लीजिए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी लोग करते हैं, कहाँ बेरोजगारी है? सॉरी, जो हजार हजार रुपए के जूते, दस दस हजार के मोबाइल, कारों में घूमते, कहाँ बेरोजगारी है भैया? सभी घूम रहे हैं क्या? सभी घूम रहे हैं? अच्छा, ये बालक जो बैठा है जरा दिखाइए, ये भी घूम रहा है क्या गाड़ी में? ये भी घूम रहा है, दस हजार के जूते पहन रहा है? ओ, ये तो भी बच्चा है। बच्चा है तो किसी का तो बच्चा ही है ना, उनके माता पिता तो गरीब ही होंगे ना। इसके माता पिता नहीं, आप इस तरह की बात तो मत करिए ना जिसका कोई आधार ही ना हो। हाँ बोलिए। बेरोजगारी कोई नहीं है, जान रहे हैं, आज भी लोग 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं। ऐसा कोई है कि जो कि रुका है? आज बताइए आप कि मतलब कि कोई घूम नहीं रहा है, कोई खा नहीं रहा है। तो सरकार राशन क्यों बांटती है अगर कोई भूखा नहीं है तो? गलत, सरकार जो हमारी राशन है ना कुछ जरूरतमंदों के लिए है, लेकिन रोक कर जरूरतमंद वही है ना जिनके पास नहीं है, अन्न नहीं है इसलिए सरकार दे रही है। तो अन्न कहाँ से नहीं है? आप आज उठा के देख लीजिए, जिसके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं वो भी राशन उठा रहा है, और जो नीचे है उसके लिए बहुत लोगों का हक। लेकिन ये बीजेपी सरकार की नीति पे ही सवाल खड़े कर दिए आपने तो, आपने तो सरकार की नीति पे ही सवाल खड़े कर दिए फिर तो। नीति नहीं, सरकार बहुत अच्छी है, और ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वो सरकार बहुत सही कर रही है। हम इसके लिए प्रमोटर है, इससे पहले आज से 4-5 साल पीछे। बोलिए। महंगा होने के बाद भी पेट्रोल पंप पर भीड़ मची हुई है तो कहां की गरीबी है इस देश में? इस देश में अगर गरीबी होती तो पेट्रोल पंप पर भीड़ कहां पे होती? महंगाई अभी आज इस मंच का मुद्दा नहीं है, आज इस मंच का मुद्दा ज्ञानवापी है, और ज्ञानवापी ही इस समय का मुद्दा है। तो जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, सरकार अपने ढंग से ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज्ञान व्यापी का जो वो सर्वे है, सर्वे की बात किया जाए, सारी बात हटा दिया जाए। बताइए हमको एक बात बताइए पहले, ये अगर सुनिए सर, सर सर ये मेरी बात सुनिए पहले, अगर महंगाई इतनी महंगाई बढ़ी है तो सबकी कमाई भी तो बढ़ी है सर, है ये बताइए पहले। 10 रुपया कमा रहे थे पहले तो 10 रुपये में सबका खर्चा चल रहा था, आज 100 रुपया लीटर तेल है तो 1,000 रुपया कमा भी रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये जो बेतार्किक बातें हो रही है यहाँ पर, तो मतलब ये लोग क्या मान रहे हैं कि 2014 से पहले जो विरोध होता था वो महंगाई था, और बाकी ये जो 2014 के बाद से जो महंगाई बढ़ रही है ये कोई मुद्दा नहीं है? मतलब ये लोग मंदिर तो बन, जो लोग ये बोल रहे हैं कोई महंगाई नहीं है क्या? ये आप अभी सर हाथ उठवा रहे थे, जो पूरे देश का सर्वे आया है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में 50% बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई 80% बढ़ी है, तो क्या उस चीज को आप भी नहीं मानते हैं या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं, ये बताइए। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी? बनारस के रहने वाले हैं? ज्ञान वापी नापी हो कि नहीं हो? नहीं, वो मस्जिद मंदिर के बात बतिया रहे हैं, जब यहाँ से दुबई से शेख आते थे पूरा हिंदू के मंदिर पे उर्दू लिखवा देता था, उस समय कहाँ थे लोग? उस समय कहाँ थे कि उस समय उर्दू लिखवा दिया जाता था टेंट के लगा? इसमें डर किस बात का है? जब सर्वे हो रहा है तो इसमें डर किस बात का है? हमको यह समझ में नहीं आ रहा है। जब न्यायालय को आप मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो वही संविधान तो न्यायालय बनाई हुई है ना, तो उसको मानने में क्या दिक्कत है? आप इतना डर क्यों रहे? होने दीजिए सर्वे। देखिए मनोज जी, अब ये मत कहिएगा कि ये मैंने बोला है, बीच पब्लिक के बीच से यह सवाल आ रहा है कि सर्वे से डर कैसा, इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो न्यायिक निर्णय आया अयोध्या मंदिर पर, मेरा लगता पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर पर, किसी को कोई ऐतराज हुआ देश में? नहीं हुआ? नहीं, नहीं, कई लोग हैं नहीं मानते हैं उसको, कई लोग हैं, कई लोग हैं। ओवैसी साहब अभी भी सवाल खड़े करते हैं। आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए, बैठिए पहले वहाँ उधर चलो तुम, आप वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, मत करो बहुत हम लोगों ने देखे। नहीं नहीं ठीक है, वहीं बैठिए। हाँ बैठने दो, हट जाओ भाई, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो यार, झगड़ा झंझट नहीं, शांति बनाए रखो।
ज्ञान वापी पे जो सर्वे हो रहा है ये लोग फर्जी राजनीति कर रहे हैं, उसको जांच होने दें निष्पक्ष, और बिना वजह वहाँ ये लोग राजनीति करने खड़े हुए हैं। कौन लोग? अरे ये सपा, और ये कल से ही देख रहा हूँ संजय सिंह और ये सपा के लोग घूम रहे हैं वहाँ मंदिर में दर्शन के बहाने, तो वहाँ विरोध खड़ा कर रहे हैं बिना वजह। सपा के लोग वहाँ विरोध खड़ा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आप? ठीक है, मुद्दे को लेकर के जाइए आप लोग जनता के बीच। हमसे भी सुन लीजिए, एक रामचरित मानस की चौपाई है कि नहीं नहीं अनुशासित होकर बातचीत करिए। हाँ, बिना न मानत शांत हो जाए, शांत हो जाए। दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन, एक बार फिर से, एक बार फिर से, बिना न मांगत जल जल गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। और ये योगी बाबा ने दिखा दिया है उत्तर प्रदेश में, कोई दंगा नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। और अभी आपने देखा क्या हुआ, अगर अगर उनका शासन होता जो लोग यहाँ आए अभी तो क्या होता? एक बार हमसे, अरे हो गया भैया, एक बार रुक जाओ। ये एकदम आक्रामक हैं और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, ये इनकी सत्ता नहीं है फिर भी इतने आक्रामक हैं इनकी सत्ता। ठीक, चलिए मैं उधर जा रहा हूँ। आपस एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।